मैं यूरोप के चार देशों का उल्लेख करता हूं, इंग्लैंड जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन, मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं। ये देश 200-250 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे, आज भी दुनिया में इनका दबदबा है। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन चार देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन चार देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है, यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन चार देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन चार देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है, इन चार देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000, जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कहां 1,30,000 लोगों की मृत्यु और कहां 600 लोगों की मृत्यु, ये बात सही है कि मृत्यु मृत्यु होती है, एक हो या अनेक हो। एक भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इन चार देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किए, फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना ज्यादा लोगों की जाने गई। और ये देश विकसित है, उनके पास संसाधन भी है, और कोई यहां वहां के सरकारों को चिंता नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तर प्रदेश को हासिल की है। हर उत्तर प्रदेशवासी को गर्व होगा, हर भारतवासी को गर्व होगा। साथियों, इस दौरान आप में से ज्यादातर लोगों ने टीवी पर लगातार देखा होगा, अमेरिका के रिपोर्ट तो लगातार आते थे, अमेरिका के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, वो एक चुटकी में जो चाहिए वो इकट्ठा कर सकता है। अमेरिका के पास साधन, संसाधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज अमेरिका कोरोना से बेहद बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग की जान जाती है। लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज अगर
हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक संतोष का विषय है और देश का आत्मविश्वास भी उसके कारण बढ़ता है। लेकिन मैं एक पुरानी घटना को जरूर आज उल्लेख करना चाहूंगा। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज तब के इलाहाबाद के सांसद देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। अब आज उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो यूपी के सांसद के नाते, देश के नागरिक के नाते, भारत के प्रधानमंत्री के नाते जैसे आप सबको तसल्ली मिलती है, मुझे भी तसल्ली मिलती है। और साथियों, इसमें भी हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है। ये सब उस स्थिति में हुआ जब देश भर से करीब 30-35 लाख से जितने श्रमिक हमारे कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गांव लौटे थे। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। साथियों, यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से शासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते हैं। लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया। और ये देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता,